थिएटर, टीवी, फिल्म स्टार्ट आपने कहाँ से ली? फिल्म है, सेकंड टीवी है, थर्ड मेरा थिएटर है। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने पहली बार परफॉर्म किया? जब मैंने पहली फिल्म की तो उस वक्त मैं 7 साल की थी, जो मैंने बचपन किया। एक अरसा हो गया आपको मेकअप करते हुए, कभी तंग नहीं आई कि यार डेली मेकअप? नहीं, अब तो यूज टू हो चुके हुए, इतना कोई तंग नहीं आते, लेकिन ये है कि कभी कभार हो जाता है ऐसे। बट उसमें फिर जब हम लोग घर पे अगर फ्री बैठे हो तो फिर उसमें भी बोर हो जाते हैं। बच्चों को टाइम दे पड़ती है? अब यहाँ से घर ही जाना, हमने कहीं और नहीं जाना, तो वो टाइम बच्चों का ही होता है। दिन कैसा गुजरता आपका? सोकर। जैसे कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि सर्जरीज करवाई हुई है, मैं सो के उठ जाऊँ तो बड़ी बात है, मुंह प्रॉपरली धो लूं बड़ी बात है, तो सर्जरीज तो बहुत दूर की बात है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार खुशबू खान हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे बहुत सारी, थिएटर के हवाले से, टीवी के हवाले से और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। तो बात करते हैं खुशबू खान से। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, हमें पता बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपने भी टाइम दिया। खुशबू, ये आपका रियल नाम है? नहीं, सोबिया नाम है मेरा। थिएटर, टीवी, फिल्म, आप तीनों में आपने भरपूर काम किया, स्टार्ट आपने कहाँ से ली? फर्स्ट जो मेरा है फिल्म है, सेकंड टीवी है, थर्ड मेरा थिएटर है। तो फिल्म, टीवी, थिएटर से आप स्टार्ट करें तो ये मैंने फिल्म से स्टार्ट किया बचपन से। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने पहली बार परफॉर्म किया? जब मैंने पहली फिल्म की तो उस वक्त मैं 7 साल की थी, जो मैंने बचपन किया। और जब मैं एज हीरोइन आई हूँ उस वक्त मैं 11 साल की थी, जब मेरी फिल्म सैलाब आई है और उसमें मैं 11 साल की थी। और जब वो बच्चे खेल रहे होते उस वक्त मैं हीरोइन परफॉर्म कर रही थी। टीवी और थिएटर का, फिल्म का तो आपने पहला नेम बता दिया जो आपने की, जब टीवी आपने पहला किया या थिएटर किया, उसका प्ले का नाम आपको याद है? टीवी का मुझे पहला तो याद नहीं है, लेकिन टीवी के जो प्ले हैं उनमें एक लंडा बाज़ार था बहुत मशहूर, खलीलुर रहमान कमर साहब का जो था, फैसल कुरैशी था उसमें, फरा शाही, आई थिंक नाम फरा शाही है उनका जी, वो थी उसमें, बहुत बड़ी कासी बाबर अली जो कि बाली के नाम से बहुत सुपर डुपर हिट हुए थे। और उसके बाद फिर शिकवाना शिकायत, और उसके अलावा भी काफ़ी प्लेज़ हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, नाम याद नहीं है, बट काफ़ी सारे प्लेज़ थे, जूमी के थे, फिर खलील साहब का प्ले था, साउथ था उसमें मेरे साथ, और उसमें एहसन खान साहब थे मेरे साथ, मतलब अच्छी कास्ट के साथ काफ़ी ड्रामे मैंने किए, फैसल बुखारी के मैंने ड्रामे किए हुए हैं, तो नाम नहीं जहन में आ रहे अभी मेरे। टीवी, फिल्म, थिएटर, अगर तीनों में से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करने पर दो छोड़नी पड़े, किसको करेंगे सेलेक्ट? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब मैं फिल्में कर रही थी तो बहुत अर्ली एज थी मेरी, तो उसमें मुझे जब मेरी शादी हो गई तो मुझे उसी में ही फ़िल्म छोड़नी पड़ी, और मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि फ़िल्म नहीं करनी आपने, जिसकी वजह से मैंने 10 साल फिल्म का गैप रखा। देन मैंने फ़िल्म स्टार्ट की और उसके बाद जो थिएटर था वो मेरा कॉन्टिन्यू रहा है, थिएटर में मेरा ब्रेक नहीं आया। कोई ऑनलाइन फॉनलाइन कोई ऐसी कोई मिसहैप हो जाए तो उसमें गैप आ जाता है, लेकिन थिएटर में मेरा गैप बहुत कम आया। एक अरसा हो गया आपको मेकअप करते हुए, कभी तंग नहीं आई कि यार डेली मेकअप? नहीं, अब तो यूज टू हो चुके हैं, इतना कोई तंग नहीं आते, लेकिन ये है कि कभी कभार हो जाता है ऐसे। बट उसमें फिर जब हम लोग घर पे अगर फ्री बैठे हो तो फिर उसमें भी बोर हो जाते हैं हम लोग। बच्चों को टाइम दे पड़ती? माशाल्लाह क्यों नहीं, बच्चे घर, अब यहाँ से घर ही जाना, हमने कहीं और नहीं जाना, सीधा घर ही जाना, तो बच्चे घर पे ही होते हैं, तो वो टाइम बच्चों का ही होता है। दिन कैसा गुजरता आपका? सोकर। थिएटर लाइफ है, दिन सो के गुजरेगा, तो बच्चे कहते हैं मम्मा जी उठे हमने बाहर जाना, शॉपिंग पे जाना, खाने के लिए जाना, तो क्या होता है फिर? नहीं, उसमें हेल्प आउट करती हैं मेरी सिस्टर्स, कर लेती हैं, और बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो अपनी शॉपिंग, बल्कि बच्चे छोटा भी जो बेटा मेरा वो भी अपनी पसंद से चीज़ें खरीदता है, वो बहनों के साथ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर ख़ुद चले जाते हैं, वो जाके अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, आपको पता आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा, जो कपड़ा पसंद आ जाए, जूता पसंद आ जाए, टॉय पसंद आ जाए, गेम्स पसंद आ जाए, तो ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। बचपन कैसा गुजरा आपका? क्या आप बचपन में शरारती थी या एक बड़ी सोबर थी? नहीं, मैं बड़ी शरारती थी, और बचपन मेरा बचपन भी साथ गुजरा, फिल्में भी साथ ही थी, तो फिल्मों में रह के भी मैंने पूरा बचपन अपना भरपूर गुजारा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े और गेम्स मैं बहुत ज़्यादा करती थी, और बैडमिंटन बहुत खेलती थी मैं, गली में बहुत खेलती थी अपनी, और उसके अलावा मतलब मैं गेम्स जो वीडियो गेम्स होती हैं मैं वो बहुत ज़्यादा खेलती थी। फोर्ट्रेस में अभी भी आप जाएँ तो वहाँ पर वो उसके नाम से है
गेम जोन है, आई डोंट नो क्या नाम उसका भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो फन लैंड करके जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं सारी रात जाके गेम खेलती थी। तो बचपन मैंने अपना भरपूर गुजारा है। ऐसा वाकया बचपन का जो आज तक आपको याद हो? ऐसे तो कोई वाकया नहीं है, लेकिन ये कि हम लोगों ने मस्तियाँ बहुत ज़्यादा की हुई हैं। कभी कोई ऐसा मतलब हम लोग मोहल्ले में बहुत ज़्यादा तंग करना, और स्कूल बंक किया था तो वो मुझे पता है कि अब्बू से बड़ी मार पड़ी थी मुझे। और उसके बाद फिर ये है कि एक फ़िल्म की थी जिसमें मैंने नीली बेगम का बचपन किया था, तो उसके अंदर पुतले को जलने का कोई सीन था, तो वो मुझे उसके बाद मैंने कहा कि मैंने इनके पास नहीं जाना, तो वो फिर अम्मी से बड़ी डांट पड़ी। सूदी भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने भी बड़ा प्यार से समझाया डराया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने इनके अंदर ये शॉट नहीं देना, तो मैं बहुत छोटी थी। तो फिर बड़ा उन्होंने कहा कि ये हमारा मेन थीम है, इस हमारी पूरी फिल्म की कहानी इस सीन के ऊपर बेस करती है। तो उन्होंने अम्मी को बड़े प्यार से समझा के, उन्होंने अम्मी ने मुझे बड़े प्यार से समझा के, वो बड़ी मुश्किल से कि वो पुतलों के बीच में खड़ी हुई है और सारे जल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल सीन था, तो जो मुझे आज तक वो याद है। तो उसके बाद वो नीली बेगम आती हैं, तो वो जब मतलब उनका बचपन था हसीना 420, आई थिंक हसीना 420 या मैडम बावरी, दोनों में से एक फिल्म है, मुझे फिल्म भी याद नहीं है। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी पे मूवी बने, अक्सर एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ में मूवी बनती है, क्या कहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में मूवी बने, कौन सी एक्ट्रेस ऐसी है जो आपका रोल कर अदा कर पाएगी? आई थिंक मैं अपनी आइडियल खुद हूँ, और मैं नहीं समझती कि मेरी जगह मेरा कोई रोल कर पाएगा और मेरी लाइफ को कोई जान तो होगा। मैं क्योंकि सबको बहुत मुस्कुराती हुई नज़र आती हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या है या मेरी लाइफ में क्या है वो कोई नहीं जानता, और मैं चाहती भी नहीं कि कोई जाने। और क्योंकि लोग हंसते हुए चेहरे देखते हैं यहाँ पे, अंदर से कोई नहीं देखता कि उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो मैं मुस्कुरा रही हूँ उतना ही काफ़ी है, और यही लाइफ मैं चाहती हूँ कि सब देखें। ये बात है, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे भी जहन में, बहुत से लोगों के जहन में है। माशाल्लाह, एक अरसा आपने थिएटर में गुजारा, फिल्म में गुजारा, टीवी में गुजारा, आपके जो कैलिबर की काफ़ी एक्ट्रेस काम छोड़ गई, लेकिन आज भी आप माशाल्लाह हसीन हैं, आज भी माशाल्लाह आप यंग हैं, इसका क्या राज है? पहली बात तो ये है कि वो मेरे कैलिबर नहीं, वो मेरी सीनियर्स हैं, और कैलिबर तो वो होता है कि जो कैलिबर तो अल्लाह मियाँ बनाता है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी की जूतियों के भी बराबर नहीं हैं। और जो काम मेरे से जो घर बैठी हैं, वो खुद नहीं बैठी, उन्होंने शादियाँ की हैं, तो शादी करके घर बैठी हुई उनके, जब वो पहले भी शादी उन्होंने की हुई थी तो उनके मियाँ ने उनको तब नहीं रोका, अब जब उन्होंने रोका तो उन्होंने बिठाया, वरना किसी ने भी नहीं अभी तक बैठना था। देखिए, किसी ना किसी तरीके से वो सोशल मीडिया के ऊपर इन हैं। कोई एक्ट्रेस मुझे बता दे कि आफ्टर मैरिज कि वो घर बैठी हो और वो स्क्रीन के ऊपर ना आई हो। हमारी सीनियर्स भी ले लें, हमारी जूनियर्स भी ले लें, तो जो मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, तो सब सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरीके से इन हैं। तो जो जा चुकी हैं तो वो भी इन हैं किसी ना किसी बहाने से, कोई म्यूज़िक में चली गई हैं, कोई किसी चीज़ में चली गई, किसी चीज़ में चली गई, मुख्तलिफ शोबे उन्होंने अपना लिए, बट घर में कोई भी नहीं बैठा हुआ। कोई एंकर बन गई है, कोई कुछ बन गई है, कोई कुछ बन गई है, तो घर में जिसको आप कहते हैं ना कि शादी के बाद आप घर से बाहर नहीं निकले या आप ऑन स्क्रीन आए ही नहीं हैं, तो ऐसे तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि जी आप इतनी स्मार्ट या जो भी आप लग रही हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि अपनी एज के साथ साथ ही लगना है, क्योंकि मैं कोई पहले नहीं जा सकती या मैं घटा नहीं सकती या किसी चीज़ को कुछ कर नहीं सकती। जैसे जैसे जो एज होगी उसके साथ ही हम लोगों ने बढ़ना है, वैसे वैसे ही होगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो, जैसे कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि सर्जरीज करवाई हुई हैं, ये किया हुआ वो किया हुआ है, तो ये मैं सो के उठ जाऊँ तो बड़ी बात है, मुँह प्रॉपरली धो लूँ बड़ी बात है, तो सर्जरीज तो बहुत दूर की बात है। सही बात है, मेरे जहन में था, काफ़ी लोगों के जहन में था कि मैडम ने में बात होती है कि जी मैं ड्रग्स बहुत यूज़ करती हूँ, तो वो भी सबको पता है। तो जो कहता है तो माय फुट, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है मुझे किसी का कोई अल्लाह के बाद डर खौफ नहीं है, तो मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैडम जी बहुत मेहरबानी, आपने हमने टाइम दिया, तो शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को बहुत ज़्यादा मजीद आगे लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी बात तो आप मानते नहीं, लेकिन मैडम की बात मान के आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे और मैडम खुशबू जी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।